हाँ लक्ष्मी, क्या है भैया? अच्छा तुझे कैसा चूड़ीदार चाहिए? जैसा आपको अच्छा लगे। बेकार है, यहाँ कुछ ठीक लग रहा है। हाँ मुझे लगा ये तुम्हारी चुन्नी नहीं है। हाँ? क्या कहा, मेरी चुन्नी नहीं तो मैं क्यों पहनती? यही तो मैं समझ नहीं पाया। ओह, ऐसा क्या? जानबूझ के शॉप में घुस के सुंदर लड़कियों को छेड़ते हो, और जब मैं दिखाई पड़ी तो मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा तुमने, बोलो क्यों? देखिए देवी जी, जानबूझकर नहीं खींचा मैंने दुपट्टा, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी कसम। गलती मैंने की नहीं तो क्यों मानूं? अरे तुम जैसे स्ट्रीट रोमियो को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मान जाओ, नहीं तो चीटिंग केस में मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। ज्यादा पहले गलती करते हो, ऊपर से ऊंचा बोल रहे हो। मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं खींचा। अरे बेटी छोड़ो भी, उसने जानबूझकर नहीं खींचा बोल रहा है ना। नो सर, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, इनको यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपकी दुकान में आएंगे तो सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। नहीं बेटी, इन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके सिर हिलाने वाले दिखते शरीफ हैं। होते बदमाश हैं। नॉनसेंस, जहाँ लड़की देखी शुरू। इडियट। Hey, रुको। हाँ, ये क्या किया तुमने? अनजाने में डोरोमन किया। अच्छा, अनजाने में किया? और क्या? वैसे पूछने वाले, तुम कौन होते हो? एक मर्द हूँ। और फिर एक मर्द के साथ अन्याय हो रहा हो, ये मैं कैसे सह सकता हूँ? मर्द होना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्या है? वहाँ अनजाने में मुझसे एक छोटी सी गलती हुई तो तुमने इतना बड़ा हंगामा किया, और यहाँ इन्होंने अपनी इज्जत 50 साल से संभाल के रखी, उसे तुमने एक सेकंड में उतार दी। ये तुम्हें शोभा देता है क्या? छोटे भाई, इन्होंने सब कुछ देख लिया, वैसे आपके झगड़े का मेरे पैंट पहनने से क्या संबंध है? बिल्कुल है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो केस खत्म होने तक गाड़ी वहीं पर रहती है ना, तभी तो उसको इंश्योरेंस भी मिलता है। ये भी वैसे ही है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, योर काइंड अटेंशन प्लीज, एंड द ब्यूटीफुल लेडी ओवर देयर। ओके, अब मुझको बोलने दो। देखो, तुम जानबूझकर इस शॉप में आई, और ये मोटू अंकल को, जिन्होंने स्ट्राइप्स निकर पहनी, उस बबलू अंकल को अच्छी तरह ढूंढा ढूंढ के दरवाजा खोला देखने के लिए। क्यों? कौन? मैं? हाँ, तुम ही। इन्हें देखने? हाँ, इन्हें। ये क्या कोई बड़े फिल्म स्टार है जो मैं इन्हें देखूंगी? हाँ, फिल्म स्टार होता तो जरूर देखती। लेडीज एंड जेंटलमैन, नोट दिस पॉइंट, जब पकड़ी गई तो कैसे मुंह छुपा रही है, देखा? तुमने जानबूझकर ऐसा किया था? मैंने जानबूझकर नहीं देखा। डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? गलती हो गई है, मान लो। नो। मैं कहता हूँ तुम गलती मान लो, वरना एडम चीजिंग केस में फंसा के अंदर करवा दूंगा, समझी? ये क्या है? आहा, गलती करके ऊंची आवाज में बोल रही हो। अरे बेटा छोड़ दो, अब छोड़ो भी, इसने जानबूझकर नहीं देखा, बोल तो रही है। नहीं सर, इस टाइप की लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इस जैसी अगर 4 लड़कियाँ शॉप में आ गई ना तो कस्टमर्स भाग जाएंगे। नहीं बेटा, इस लड़की को देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा काम करने वाले दिखते शरीफ है, होते बदमाश है। नॉनसेंस, अंकल को देखते ही बस यूँ आगे पीछे देखे बगैर ड्रेसिंग रूम में घुस जाते हैं। देखो, मैं मान रही हूँ। क्या? जानबूझकर देखा? यही ना? हाँ? ओके, वहाँ तुमने जानबूझकर चुन्नी नहीं खींची, और यहाँ मैंने जानबूझकर इन्हें नहीं देखा, ओके? ओके। छोटे भाई, तुमने मर्द होकर एक मर्द की इज्जत बचाई, वाह, तुम तो सचमुच के मर्द हो। कपड़े पहनो, तुम सलमान नहीं हो। इंग्लिश में ही बात करना तुम। एक्सक्यूज मी सर। यस,
आई एम बालू बलराज. हेज मिस्टर बंटी, आई एम अ बुकेस्ट. बुकेस्ट? मैंने कम्युनिस्ट सुना है, टेररिस्ट सुना है, केमिस्ट सुना है, बुकेस्ट कभी नहीं सुना. थोड़ा इंग्लिश में वीक है. आप इंग्लिश में वीक है सर. सर बुकेस्ट यानी फ्लावर्स अरेंज करने वाला, समझे आप? फ्लावर्स अरेंज करने वालों को फ्लोरिस्ट कहते हैं, बुकेस्ट नहीं. अरे फिर तूने बुकेस्ट बोलने के लिए क्यों बोला था? चैरी ने तो ऐसे ही कुछ कहा था. आज के बाद कभी उससे मत पूछना, समझा? सॉरी. ओके ओके ओके, कम टू द पॉइंट. देखिए सर, मेरे फूल वर्ल्ड फेमस है. एक और बात सर, आपके रेस्टोरेंट में रोजेस के अलावा एक और फूल है जिसका नाम है ग्लैडियोला. बहुत अच्छे लगेंगे सर. हम हॉलैंड से ट्यूलिप्स मंगवाते हैं, अफ्रीका से जैस्मिन भी मंगवाते हैं सर, और ब्लू पिल्स बेल्जियम से सर. सर 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 सर, एक बार आप इसे कान के पास ले जाकर नाक से सूंघिए, मजा. आपके होटल के लुक को ही बदल देंगे सर, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा. आपको हम 25% कमीशन देंगे. कमीशन? इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. जी, गिफ्ट के रूप में लीजिए. बस करो, हम आपसे कल सुबह मिलेंगे. जहाँ पना नमस्ते. अरे ओ जमराज भाई, अरे जरा देख के. सॉरी भाई. भाई तुम ये जो इस्तेमाल किए कपड़े फेंकने के बजाय मुझे देते हो, बड़े लंबे हैं मेरे लिए. इस दिवाली पर तो नए कपड़े खरीद के दो ना भाई, हीरो लगूंगा मैं. हाँ हाँ ठीक है, जा. अरे ये क्या, इतना कम कलेक्शन हुआ है? हर दुकान वाले ने माँ की ही फोटो लगा रखी है भाई. फिर ये 20 रुपए कहाँ से आए रे? उस मटन शॉप वाले ने अभी तक माँ की फोटो नहीं लगाई क्योंकि उसे फोटो नहीं मिली. आहा, इसका मतलब वो उस फोटो का जेरोक्स निकाल के रखेगा तो ये 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे. वही बात है. देख लिया भाई, ये सब उस बालू की वजह से हुआ. उसने आते ही माँ की फोटो लगाई तो उसे देख कर सबने हमें चूना लगाना शुरू कर दिया. अच्छा, तो माँ की आड़ में सब लोग मुझे इस तरह पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सब तो नहीं भाई, वो बालू कुत्ता हमें बेवकूफ बना रहा है. उसने आते ही हम सबसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए. वो मुझे मामूली आदमी नहीं लगता, बहुत खतरनाक लगता है. हाँ, तू जो कहता है सच लगता है. भाई, ये क्या है? ये फोटो है भाई, और ये पैसे है भाई. माँ का सम्मान करके मैंने फोटो रखी तो लोगों ने उसे कमर्शियल कर दिया भाई. अब इस फोटो की मुझे जरूरत नहीं है. माँ तो मेरे दिल में बसी है और मेरे दिमाग में भी है. ये आज का कलेक्शन है भाई, जितना चाहो ले लो, बाकी इसके हाथों भेज देना भाई. मैं चलता हूँ, चलता हूँ भाई. मेरे भाई. क्या भाई? ये ले लो. ए, सब रुपए दो. ए, आज के बाद मेरी माँ की तस्वीर सिर्फ बालू ही लगाएगा, अगर और कोई लगाएगा तो मार डालूंगा. क्या रे? ये क्या चाचू, थोड़ी तो डिसेंसी होनी चाहिए. ए फॉर एप्पल. हाँ बिल्कुल. तो ऐसा रिएक्ट क्यों किया? तुम कुछ गलत सलत सोचोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? गलत सलत यानी तुमको गलत क्या है पता है? बताओ. मैं नहीं बताऊंगा. क्यों? मैं छोटा बच्चा हूँ ना. बहुत हो गया बच्चे, तू घर चल, मैं तुझे देखता हूँ. चाचू. क्यों? इसकी आंटी के आने तक मुझे इसको कंपनी देनी है. अच्छा ऐसा है. नाम क्या है? कोई बात नहीं, बता दो, मेरे चाचू ही है ना. लिली. बड़ा कंट्रोल में रखा है इसे तुमने. ये बेवकूफ पड़ता है या नहीं? ओके. अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? फ्यूचर ब्राइट है. चाचू तुम मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बोल रहे हो. गर्लफ्रेंड? हाँ. या आई एम अ गर्ल यू नो, एंड शी इज माय फ्रेंड गर्लफ्रेंड. बहुत अच्छे, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, लगे रहो. अरे बचपन से जब मुझे डर लगता है तो मैं ऐसे ही रिएक्शंस देता हूँ. उस दिन? वैसे. इस दिन? ऐसे. तुम तो बहुत. लिली, लेट्स गो. चेरी, लेट अस गो. चाचू. क्या है? सचमुच में डर गए थे क्या? अरे ऐसी लड़की को देख के कोई डरेगा क्या? हाँ. लेट अस गो.
सुन क्या है, बड़े टेंशन में लग रहा है ये। जाके पूछता हूँ मैं। क्या बात है, तब से देख रहा हूँ बड़े टेंशन में लग रहे हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम। वन ऑफ आवर एमडीज आज डिनर पर आएंगी, लाइव म्यूजिक का इंतजाम किया था, उस म्यूजिक वाले ने हाथ दे दिया। हमारा हाथ ले सकते हैं ना? हाथ का मतलब ये है नहीं, म्यूजिक म्यूजिक। Oh, music is fantastic. I know it very well. You know music? Yes. You know saxophone? Saxophone क्या जी? Gramophone, telephone, cell phone सब mix करके राजस्थान में बना के पाकिस्तान में fix करके हिंदुस्तान में बजा दूंगा। Just 5,000 रुपए दीजिए। 5,000? Yeah. You mean 5,000? बाकी का 5,000 voucher में लेकर अपना commission समझ लो। Commission? नहीं, वही gift समझ लो। म्यूजिक का बहुत अच्छा ज्ञान है। बहुत अच्छा, म्यूजिक का उस्ताद हूँ। इतना बोल दिया काफी है, तुम मेरी इज्जत बचा लो बस। देखो दो घंटे में प्रोग्राम शुरू करना, आवर में स्टार्ट कर देंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है, उनके आने में 2 घंटे लगेंगे। इतना अच्छा बजाएंगे ये पता होता तो और 20,000 मांग के दिलवा देता मैं। सर, एमडी साहिबा आ रही हैं। ओह, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आपको देखे बहुत दिन हो गए, प्लीज कम इन, आइए। व्हाट मैम, एनी प्रॉब्लम? लवली म्यूजिक। नो, लाइव म्यूजिक। लाइव? हाँ। वाओ। मैंने ही अरेंज किया है मैडम, कैसा लगा? वेरी गुड। थैंक यू, आइए। क्या है जी? मेरा प्रमोशन मैडम, या लाइव म्यूजिक। प्लीज अपना काम कीजिए। ओके मैडम। आई थिंक ही इज वेरी इमोशनल अबाउट प्रमोशन।